जय श्री कृष्णा। विपदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक है हमारे अतीत 3 अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम उसकी इतिहास वाली पुस्तक से 3 पाठ पढ़ेंगे जिसमें है कि ग्रामीण क्षेत्र। पहले हमने पढ़ा किस तरह से कंपनी शासन बन गई, किस तरह से अंग्रेज यहाँ भारत में आए और किस तरह से कंपनी है जो यहाँ की सर्वसर्वा बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। कब? 12 अगस्त 1765। कौन सा? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने, किसने? मुगल बादशाह ने, बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान, नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया। इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना किन्हीं मुट्ठीभर लोगों के बीच नहीं घटी होगी। यह एक विशेष प्रक्रिया या विशेष प्रावधान या विशेष आयोजन या समायोजन के साथ हुई होगी। मुट्ठी पर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइन के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। यह चित्र उस समय के चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइन ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने पर अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना। और ये घटना कहाँ घटी? रॉबर्ट क्लाइन का, रॉबर्ट क्लाइव के तंबू, रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में यह घटना घटी। क्या हुई? यह घटना पूर्वी बंगाल की नवीन के दस्तावेजों से संबंधित कार्य हुआ था। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य टांग थी। और दीवानी मिलने से क्या हुआ? दीवानी मिलने से कंपनी अपने भूभाग में, भूभाग जो उनके लिए बंगाल का निश्चित किया, कौन सा बंगाल में आर्थिक मामलों में, कौन से आर्थिक मामलों में मुख्य हो गई। क्या हो गई? कंपनी मुख्य शासक हो गई। क्या हो गई? कंपनी मुख्य शासक हो गई। क्या हो गई? शासक हो गई। आर्थिक मामलों में कंपनी वहाँ की मुख्य शासक हो गई। अब उसे अपनी जमीन पर शासन चलाने और आमदनी की व्यवस्था का रास्ता, अब उनको दो काम मिल गए। एक तो शासन व्यवस्था और दूसरा आमदनी की व्यवस्था का अधिकार। क्या हो गया? अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। अब कंपनी को एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए कंपनी अपनी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। वास्तव में कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। और बाहरी ताकत होने की वजह से उसे लोगों को शांत भी रखना होगा। जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे उनके पास अब भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। अब कंपनी को दो बातें ध्यान रखनी थी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी थी कि उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार आमदनी बढ़ानी थी। दूसरा ये भी था, जो किसी ज़माने में गाँव में अपनी जागीदारी चलाते थे उन लोगों का भी सहयोग लेना था, क्योंकि उन लोगों के पास अब भी ताकत और सम्मान था जो कंपनी के लिए चुनौती हो सकता था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। क्या है? जो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत था वो उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था, उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था। अब
कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया, कंपनी की आमदनी क्या, कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए थे, क्या किए थे, कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए थे। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचाहट नहीं थी। क्या नहीं थी, कंपनी एक भारी व्यवस्था तो कर सकती थी लेकिन उसके आमदनी में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। क्या खरीदें, कंपनी का काम था आमदनी बढ़ाना बढ़ाना, सूती व रेशमी, सूती व रेशमी कपड़े खरीदना। क्या, आमदनी बढ़ाना, सूती और रेशमी कपड़े खरीदना। क्या था, आमदनी बढ़ाना, सूती और रेशमी कपड़े खरीदना। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगुना हो गया। 1865 से पहले कंपनी सोने और चांदी से आयात करती थी लेकिन इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसों से ही निर्यात की चीजें खरीद सकती थी। 1865 ईस्वी से पहले कंपनी सोने और चांदी से व्यापार करती थी। व्यापार करती थी और इसके बाद में अपनी आमदनी से व्यापार करने लगी। क्या करने लगी, व्यापार करने लगी अपनी आमदनी से व्यापार करने लगी। अपनी आमदनी कौन सी, जो बंगाल की दीवानी थी। क्या थी, बंगाल की दीवानी से खरीदने थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचनी पड़ रही थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पाद गिर रहा था, खेती चौपट हो रही थी। क्या हो रही थी, खेती चौपट हो रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की जो मौत हो गई थी। इस अकाल से लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। इसी के साथ लोगों की स्थिति खराब हो गई। क्या हो गई, लोगों की स्थिति खराब हो गई। क्यों, क्योंकि इस व्यवस्था की वजह से लोगों की स्थिति खराब हो गई। और साथ ही 1770 में, कब, 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। क्या पड़ा, अकाल पड़ा। 1770 में बंगाल में जो अकाल पड़ा उससे भी लोगों की स्थितियां और खराब हो गई। अब अंग्रेजों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती में सुधार की जरूरत थी। क्या थी, अगर कंपनी को अपनी आमदनी बढ़ानी थी, क्या थी, कंपनी को आमदनी बढ़ाने के लिए जो भारत का उस समय मुख्य व्यवसाय था, क्या था, कंपनी को आमदनी बढ़ाने के लिए जो उस समय भारत का मुख्य काम था या भारत का जो आधारभूत ढांचा जिस पर खड़ा था आर्थिक स्थिति पर, वो थी खेती। क्या थी, खेती।
क्या था खेती, यानी कृषि में खेती में सुधार की जरूरत, जरूरत थी, खेती में सुधार की जरूरत थी, क्या थी, खेती में सुधार की जरूरत थी। अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी, ऐसा हो नहीं सकता था। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि वह जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। तो यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर लगभग 2 दशकों पर विचार चला, कितने 20 वर्षों तक, 20 वर्षों तक विचार किया, किसने विचार विमर्श हुआ, किसने किया, कंपनी ने, किसने किया, कंपनी ने 20 वर्षों तक इस बात पर विचार किया कि खेती में सुधार कैसे लाया जाए, क्या है, कृषि में सुधार कैसे लाया जाए, इस पर कंपनी ने 20 सालों तक सुधार किया और आखिर 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कब किया, 1793 में, 1793 ईस्वी में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। क्या किया, लागू किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकोदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। क्या किया गया, इसके अनुसार स्थायी बंदोबस्त में क्या था, पहला काम था राजाओं और जमींदारों को तालुकेदार में मान्यता, यानी अब जमीन के ऊपर वो कृषि हिसाब से आमदनी तय करने का उन पर लागू किया था। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा था। अब उन्हें दूसरा तालुकेदार के हुआ तो ये काम हो गया लगान वसूलने व कंपनी को राजस्व पहुंचाने का काम दिया गया। ये एक काम और हुआ। दूसरा था इसी की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। क्या कर दी गई, और राशि स्थायी रूप से राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय हो गई। क्या हो गई, तय हो गई। पहले राजस्व की राशि खेती के आधार पर तय होती थी, कृषि के आमदनी, खेती की फसल के आधार पर तय होती थी, अब इन्होंने नई व्यवस्था कर दी। दूसरा, इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की जो व्यवस्था की गई उन्हें जमींदार बनने नहीं देंगे, मगर इसकी एक समस्या भी थी। क्या थी, इस व्यवस्था की एक समस्या भी थी। समस्या क्या थी वो अभी देखते हैं, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार इस पर पैसा खर्च हैं, यानी जमींदार भूमि सुधार हेतु खर्च नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, भूमि सुधार हेतु खर्च नहीं करते हैं। दूसरे, असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को परेशानी थी। राजस्व बहुत ज़्यादा था, क्या था, राजस्व बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, राजस्व बहुत ज़्यादा था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते हैं उनकी ज़मीनें छीन ली जाती। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा,
इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी और अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे थे वह उन्हें भी परेशानी में निवेश का खतरा उठाए अपनी आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब जमींदार किसानों को जमीन देकर उसे लगान वसूल करते तो उन्हें जमीन सुधार की परवाह नहीं थी, क्योंकि जमींदारों की ये था कि उन्होंने किसानों को आगे बटाई पर अपनी जमीन दे दी। अब उनकी जो आमदनी है उससे है जो मतलब था ना तो जमींदार को और ना ही किसानों को भूमि सुधार से संबंधित है जो कोई लेना देना नहीं रह गया, क्योंकि उनको पता था कि अगली बार बटाईदारों को पता था कि अगली बार नई जमीन लेंगे। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था, जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए कई बार महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और जो लगान नहीं चुकाता था उसे अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। तो ये हैं जो कंपनी की नई व्यवस्थाएं थी कंपनी ने। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे कि इसके बाद कंपनी ने क्या व्यवस्थाएं की। धन्यवाद।